ओम श्री गणेशाय नमः, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर, इतनी ऊपर नहीं, यहाँ स्क्रीन पर आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और हम वहाँ पे डेली टिप्स एंड रेमेडीज़ भी शेयर करते हैं, ठीक है, तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एरीस क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एरीस, ओके, सो कॉलिंग फॉर वॉट? आई थिंक इट्स अबाउट लाइक कॉलिंग ऑफ, या हो सकता है देर इज़ अ बिट्रेयल, हो सकता है टेन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है। व्हाट्स गोइंग ऑन एरीस, क्या चल रहा है? ओके, सो आपकी जो एनर्जी है ये है दैट एम्परर एनर्जी। सो यू वॉन्ट टू बी इन अ कनेक्शन, यू डोंट वॉन्ट टू बी इन अ कनेक्शन, ठीक है। आप उस रिलेशनशिप में चाहते हैं, रहना भी चाहते हैं। इट्स लाइक यू आर लॉयल विद योर पार्टनर, बट इट्स लाइक यू आर लॉयल विद सम अदर पर्सन ऑल्सो। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट येस, समटाइम्स अगर आप मेल हैं तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। एम्परर, ओके, कि आपका यू नो लाइक इमोशंस ऐसे है और आप किसी डीप थिंकिंग में चल रहे हैं। हो सकता है आप ये फाइनेंसिस को लेके हो, ठीक है, या जॉब को लेके हो, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है, या कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, या हो सकता है डीप थिंकिंग, ठीक है, बहुत सोच रहे हैं, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट कोई सोच रहा है कि क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, ठीक है। सो ये चीज़ है, या अपनी टर्म्स पे आप चलाना चाहते हैं किसी रिलेशनशिप को, यू नो। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, थ्री ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, तो डेफिनेटली अ थर्ड पार्टी कनेक्शन, ठीक है, एक लग रहा है कि एक थर्ड पार्टी कनेक्शन है। पहला ही कार्ड थ्री ऑफ सोर्ड्स का है, तो ये पर्सन हो सकता है हार्ट ब्रोकन है, टेन टेन एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों में यू नो चीज़ें बदल गई हैं, या कुछ यू नो लाइक इट्स लाइक ये जो पर्सन है ये भी बर्डन कैरी कर रहे हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा, यू नो स्कैटर्ड दिमाग बहुत ज़्यादा बर्डन है, और ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है कहीं यू नो इनको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू, ठीक है ना। एंड उनको लगता है कि सिर्फ कुछ कर नहीं पा रहे हैं वो, मतलब आप लोग कम्युनिकेट तो कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बिकॉज़ क्यों? क्योंकि ये थ्री ऑफ सोर्ड्स सिचुएशन है, तो इट्स पेनफुल, या हो सकता है कोई और है बीच में, या इन्फ्लुएंस हो रहा है। आपकी इंटेंशंस क्या है इस कनेक्शन को लेके? ऑफ कोर्स यू हैव लव, बट आई थिंक वही बात है, आपकी इंटेंशंस जो ये है कि ये लूप है और आप इस लूप में हैं, ठीक है, लाइक एट ऑफ हाउ एट नंबर इज लाइक एक लूप में आप फंसे हुए हैं, ठीक है, तो बार 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 यू नो कि वो चीज़ घूमती रहती है। इट्स अबाउट दैट, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि हो सकता है कि इस साइड ध्यान कहीं और जा रहा है, उस साइड कहीं हो रहा है। एंड प्लीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, कुछ के लिए ये हो सकता है कि आप काम को लेके परेशान हैं, ठीक है, तो आपका ध्यान कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर हो सकता है। बट समटाइम्स, बट यूजुअली यहाँ दिखाई दे रहा है कि थ्री ऑफ सोर्ड्स मतलब ये चीज़ है कि कोई और है आप लोगों के बीच में, ओके। सो अब इंटेंशंस ये है दैट यू, आप चाहते भी हैं रिलेशनशिप को रखना और आप नहीं भी चाहते हैं, सम हाउ आपको समझ नहीं आ रही, ओके। ऑफ कोर्स यहाँ टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, कि आपको फैसला लेना होगा, ठीक है, कि आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या करना है, यू व्हाट यू नो कि व्हाट यू वांट टू डू। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव हम देखें एरीस, आई थिंक इट्स अबाउट दे आर नॉट लाइक आपकी तरफ कोई मूव नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इट्स अबाउट कि वो उदास हैं, चाहे परेशान हो, उदास हो, अपने आप को बिजी रखेंगे, लेकिन आपकी तरफ कोई मूव नहीं ले रहे हैं आपके पर्सन एरीस, आपके पर्सन, ओके, तो ये चीज़ हो सकती है। इट्स अबाउट कि उन्होंने अपने इमोशंस को दबा लिया है। यहाँ पे भी हमारे पास लूप, डेथ एंड रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ, इसका मतलब ये है कि सिचुएशन इज एंडेड, ख़त्म हो चुकी है, या ऐसा कुछ है, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें क्लियर होंगी, रिसर्फेस होंगी, और आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं। इट्स अबाउट दैट, ठीक है, कि क्या चूज़ करना चाहते हैं, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है एरीज आपके लिए, ओके। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं एरीज, व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन लव,
ओके, ऑफ कोर्स रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड है, इसका मतलब फैमिली इश्यूज, प्रॉब्लम्स, यू नो योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ. सो मे बी आपके कुछ दायरे हैं कुछ सीमित, यू नो, तो आप कुछ डिसीजंस नहीं ले सकते, या ऐसा कुछ है, या यू नो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं. कुछ कास्ट डिफरेंस हो सकता है, या बिल्कुल बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, या सिचुएशन ही, यू नो, आप दोनों की ऐसी है कि, तो ये हमें दिखाई दे रहा है. ओके, नाउ फॉर जो जो बिल्कुल ही सिंगल है, देन आई थिंक इट्स अबाउट अ गुड पार्टनर कैन कम इन कॉलिंग इन योर सोलमेट. सो कोई अच्छा पार्टनर आ सकता है जो आपको लगे कि येस दिस इज़ योर सोलमेट. सो गुड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सॉरी रिलेशनशिप, सिंगल, जो सिंगल लोग हैं, ठीक है. एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है और कॉलिंग इन योर सोलमेट, या वर्क प्लेस पर आपको कोई पसंद आ सकता है, कोई मिल सकता है, यू नो, रोमांटिक फीलिंग्स, और बड़ी जल्दी रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है. एंड फॉर दोज जो लोग मैरिड हैं, इट्स अबाउट फॉर गिविंग एंड लर्निंग, कीपिंग एन ओपन माइंड एंड फॉर गिविंग एंड लर्निंग. इसका मतलब है यू नीड टू फॉर गिव एंड लर्न, ठीक है, फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स. मुझे ऐसा लगता है कि आप एक लूप में फंसे हुए हैं, आप बार बार रिपीटेडली वही मिस्टेक्स हो रही हैं, बार बार वही मिस्टेक्स हो रही हैं. आई डोंट नो, आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से. एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है. फॉर गिविंग एंड लर्निंग, सो इसमें किसी के लिए मैसेज हो सकता है कि आप लोगों को माफ़ करते जाइए, खुद को भी, और लेसन, यू नो, यू नीड टू लर्न. ये नहीं कि अगर आप बार बार एक चीज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो चीज़, यू नो, लूप में. इट्स अबाउट दैट. और दिस इज़ वी आर गेटिंग ट्रू लव, सोल मेट. कुछ के लिए हो सकता है कि आपको लगता है दिस इज़ योर सोल मेट, यू नो, आपको लगता है कि ये आपका ट्रू लव है, एंड ये चीज़ है, एंड यू नो पैशन है, इमोशन है. बट प्रॉब्लम वही आ रही है दैट देर इज़ ऑलरेडी कोई और है. रिलीज योर एक्स का कार्ड आ रहा है, ठीक है, दैट यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप या ऑलरेडी है. तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं एरीज के लिए. सो इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. ओके, चलिए अब हम आपके करियर की बात कर लेते हैं. करियर वाइज व्हाट्स कमिंग, ओके. सो करियर वाइज बॉस, ओके, बॉस एनर्जी पहला ही कार्ड. सो डूइंग समथिंग ऑन योर ओन, कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ये जो हफ्ता है. जैसा जैसा सोचेंगे वैसा वैसा हो सकता है. इट्स अबाउट दैट, टेकिंग स्टेप टूवर्ड्स समथिंग न्यू, मेजर, यू नो, स्टेप फॉरवर्ड. और आपकी जो मेहनत है, आपकी जो हार्ड वर्क आपने किया, इट्स पेइंग ऑफ. सो आई थिंक कुछ अपना कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं. यू आर अ मैजिशियन, ओके. मैजिशियन कार्ड आया है, इसका मतलब है मैनिफेस्टिंग थिंग्स ऑन like how you want it and it's working, okay. और क्यों, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है. इसका मतलब ये है कि सब दिख रहा है आपको, पे ऑफ होता हुआ, यू नो. सो यू आर डूइंग वंडरफुल. सो एरीज के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है. यू कैन इवन सेव सम मनी, ठीक है. आप कुछ पैसे, यू नो, एक्स्ट्रा मनी यू कैन अर्न फ्रॉम सोर्सेज ऑफ कोर्स, या किसी चीज़ के लिए आप जोड़ रहे हैं. मे बी यू वॉन्ट टू टेक अ, यू नो, बाय अ हाउस और अ कार और एनी थिंग, वो आप सोच रहे हैं, तो आप स्टेप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं. तो ऑफकोर्स ये पीरियड आपके लिए अच्छा है कि आप ऐसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं. ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपकी तरक्की हो सकती है, या हो सकता है कि पावरफुल पोजिशन, यू नो, ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ वेरी गुड एनर्जी. चलिए, क्या गाइडेंस है एरीज के लिए, एंजल्स प्लीज हमें बताइए. ओके, सो गाइडेंस क्या है. ओके, सो गाइडेंस ये है, अगर हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें, देन आई थिंक इट्स अबाउट इंटरनल फाइट. ऐसा लगता है कि कुछ, यू नो, पास्ट बैगेज है जो आप होल्ड करके चल रहे हैं. इट्स अबाउट दैट. और आप इस एक ऐसे कनेक्शन में है, एक अंदर ही अंदर एक फाइट चल रही है, ठीक है. या आपको समझ नहीं आ रहा, या हो सकता है कि इट्स अबाउट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है. आपको वर्क खुद पे करना है, सामने वाले पे नहीं, ठीक है. आपको सेल्फ वर्क खुद पे, सेल्फ वर्क का मतलब ही होता है कि खुद पे काम करना है, ठीक है. खुद डिसाइड करना है कि क्या कर रहे हैं आप, कि कहीं आप किसी लूप में हैं, या क्या गलती हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक है. इट्स अबाउट दैट, मिररिंग ईच अदर. तो प्रॉब्लम्स ही वहीं पे आ रही हैं. इट्स अबाउट, यू नो, प्रोजेक्शंस का मतलब ही ये होता है, इल्यूजन्स, यू नो, और डे ड्रीमिंग और थिंकिंग और लॉट ऑफ, यू नो. सो यू नीड टू फेस द रियलिटी एंड वर्क ऑन योर सेल्फ. वही चीज़ है जो आप, यू नो, लाइक
हो सकता है बहुत ओवर थिंक करते हैं, हो सकता है बहुत सोचते रहते हैं, हो सकता है दूर दूर से एजम्पशंस कि ऐसा वैसा ये वो, इस चीज़ को छोड़ना होगा. एंड या फिर हो सकता है कि स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पाना, ठीक है, कि क्या करें, लाइक अ फूल. इट्स लाइक कि सिर्फ बातें हो पा रही हैं, लेकिन एक्चुअल में जो काम करना है, चाहे वो रिलेशनशिप पे है या सिचुएशन में है, वो नहीं हो पा रहा है. एंड ऑन दी अदर हैंड, करियर की अगर हम बात करें, इट्स अबाउट थिंग्स आर कमिंग टू द कम्प्लीशन. वर्ल्ड कार्ड हमारे पास है, इसका मतलब ये है कि दैट थिंग्स मे चेंज एट वर्क प्लेस. कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कमिंग आउट ऑफ अ साइकिल, एक बर्डन था आपके ऊपर, प्रेशर था, तो आई थिंक वो ख़त्म हो रहा है फाइनली. कोई प्रेशर था, मे बी अ पास्ट बर्डन और अ प्रेशर, तो इस टाइम को वाइजली चूज़ कीजिए. आई मीन ये टाइम आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल है एरीज, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से चूज़ कीजिए. हो सकता है आप अपने बहुत पास्ट लाइफ में से जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनमें से निकल के आ रहे हैं एक अच्छे इंसान, लाइक, और मे बी इट्स अबाउट, ऑफ कोर्स आप अच्छे इंसान हैं, बट मे बी इट्स अबाउट लाइक यू आर कमिंग आउट ऑफ अ बर्डन, किसी बर्डन में से आप बाहर निकल के आ रहे हैं. कार्मिक बर्डन्स हो सकते हैं, प्रेशर्स हो सकते हैं, ठीक है. चैरियट इज़ ऑल अबाउट फॉरवर्ड मोमेंट. सो दिस इज़ वट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.